बत्ती गुल, पानी गुल और तो और सड़कें भी गुल। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल है वसे विरार शहर का। लोग कभी पानी के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो कभी बिजली अथवा अन्य समस्याओं के लिए। अब ऐसे में मनसे द्वारा नाला सुपारा में आज भव्य जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा बिजली गुल को लेकर और बढ़ते मीटर के दामों को लेकर किया गया है। नमस्कार, मैं निशा सरोज और आप देख रहे हैं मुंबई टेलीविजन न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं नाला सुपारा के महावितरण के जो ऑफिस है वहां पर। यहां पर जो है मनसे द्वारा जो है आंदोलन किया गया है, एक भव्य महामोर्चा निकाला गया जिसमें उन्होंने बिजली को लेकर बढ़ते जो मीटर के दाम है उसको लेकर महामोर्चा किया है। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर मनसे के कार्यकर्ताओं ने क्या जानकारी दी। जो ये एमएससी में भी जो मोर्चा निकाला गया है, ये मोर्चा इसलिए निकाला गया है कि जो यूनिट है, ये यूनिट जो है आज 12 से 13 रुपया यूनिट डायरेक्ट ये लोग ने बढ़ा दिया है, 12 से 14 रुपये का यूनिट बढ़ा दिया है। और इसमें ऐसा है कि अधिकार को कोई भी अगर आम आदमी भी अगर कोई चीज जाके पूछता है उनके बारे में तो उनसे वो हड़तूड़ करके बात करते, उनको वो जवाब बराबर देते नहीं है। हम लोग ने भी उनको आज 15 दिन पहले उनको अल्टीमेट दिया था कि हम लोग ऐसे ऐसे आपके लिए आ रहे, उसका कुछ आप सोल्यूशन निकालो। इनका सोल्यूशन हमको आया नहीं। कल हमको दोपहर में, जब आज मोर्चा है, कल दोपहर में उनका हमारे को पत्र आया कि हम आपके साथ बैठ के चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चर्चा आज कर नहीं सकते। लेकिन आज इनका एक अच्छा था कि बारिश ने इनको थोड़ा साथ दिया है, लेकिन हमने इनको और 10 से 15 दिन का अल्टीमेट दिया है कि अगर 10 से 15 दिन में अगर इन्होंने हमारा उत्तर और उसका जो जवाब है देंगे नहीं, तो हम लोग मनसा स्टाइल में हम लोग उनको बराबर उनको सबक सिखाएंगे। अधिकारी खरी गोष्ट है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आज जो महावितरण आम्ही मोर्चा काढलेला आहे, त्याचं एक स्वरूप अशा प्रकारचं आहे की जनता जेव्हा यांच्यापर्यंत जाते, अधिकाऱ्यांपर्यंत, तेव्हा जनतेला ते सडेतर उत्तर देतात किंवा त्यांचं कोणतंही काम करत नाही अशा पद्धतीचं त्यांची वागणूक असेल तर त्यासाठी आम्हाला जनतेसाठी लोकांप्रती उतरावंच लागेल। आणि महावितरण कंपनी जी आता आहे, या लोकांनी आज युनिट बघा, 14 ते 15 रुपये युनिट झाले, तर दिल्लीसारख्या ठिकाणी जर 200 युनिट फुकट मिळत असतील तर आम्हाला फुकटही नको, फक्त स्वस्त दरात द्या। त्याच्यानंतर तुम्ही बघा, आज पावसाळा चालू आहे, 2-2, 3-3 तास वीज खंडित असते। त्याच्यानंतर मगाशी त्यांनी सांगितलं की एखाद महिना कुणाचा चुकला तर ते संध्याकाळी कामावर असतात आणि जाऊन दुपारपर्यंत ते मीटर कट केलेले असतात, लहान मुलं असतात, काहीतरी यांना हे बंधन पाहिजे ना, यांच्यावर कोणतंच बंधन नाही। त्याच्यामुळे अधिकारी अशा म्हणजे एकदम शेफारलेले अधिकारी आहेत किंवा एकदम वाईट कृतीचे वागणं त्यांचं आहे, म्हणून त्याला जाब विचारण्यासाठी आम्ही हा आंदोलन केलेला आहे। आपने मनसे कार्यकर्ताओं को कहना है कि अगर उनकी मांग जो पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में है, जो है वो इससे भी भव्य आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मुंबई टेलीविजन की खबरें आप तक पहले पहुंच सके।